गुड मॉर्निंग एवरी वन बार मुझे बता दें कि आवाज मेरी प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है फिर आगे बढ़ा जाए आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही तो आज की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं कहानी ये थी हमारी कि हम लोगों ने कल एम्फोटरिक ऑक्साइड्स के बारे में देखा था कि कौन एम्फोटरिक ऑक्साइड्स हैं, कौन से नहीं है तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने की थी तो एक बार क्लियर कर दीजिए सारी आवाज़ और प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है तो हम आपको आगे लेके चलें तो चले भाई आज हम लोगों का लेक्चर नंबर छः होगा और छः नंबर के लेक्चर के अंदर कुछ अच्छी बातें करेंगे हम लोग और हर दिन ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा लेक्चर नंबर आपका छः है तो आपने ये देखा था कि जो आपका ऑक्साइट थे चाहे वो आपके क्या भाई अरुण एस ब्लॉक सिलेबस में नहीं होता क्या बाबू एस ब्लॉक सिलेबस में नहीं है बोलो भाई क्या इसका इंपॉर्टेंस नहीं है जो चल रहा है अभी उसको कंप्लीट करिए फिर बाकी कनेक्ट होके तो पढ़ाएंगे देखो भाई ध्यान से देखो जैसे आप लोग कल देखे थे कि ऊपर से नीचे जाने पे यार बाएं से दाएं जाने पे आपका क्या हो रहा था मेटेलिक करेक्टर और उस हिसाब से आपकी छारी और अमली गुड़ घट और बढ़ रहे थे है ना ठीक है भाई क्या करें अरुण छोड़ दे क्या इसको भी पढ़ाना बंद कर दे छोड़ दिया जाए एक समय पे एक ही काम होगा कि दस काम होगा हाँ भाई नहीं माना है क्लास लेने का तो चले जाए करो डिस्टर्ब मत किया करो फालतू में जो भी चीजें इम्पोर्टेंट सारा भी इंपॉर्टेंट ही चल रहा है तो आपका, जो से जाने पर, आपका क्या होगा से, अमली अमली से छारी कहानी निकल किया था आपने तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है मेरे भाइयों एक बार बताइएगा आपका छारी गुड़ क्या होगा बढ़ेगा छारी गुड़ इंक्रीज होगा बेसिक होगा ये ठीक है बेसिक होगा एक बात हम आप लोगों को बता दें आपको बहुत साफ साफ बता दें कि सारा कुछ कैलकुलेटेड होता है टाइमिंग पढ़ाने का तरीका किस पे कितना समय देना है कब कितना समय देना है एवरीथिंग कैलकुलेटेड होता है तो अगर आप ये सब सारी चीजें हमारे पे छोड़ दें तो बेहतर होगा आपके लिए है ना जैसे आप पिन करेंगे तो आप ये जो छह लेक्चर में अभी पहुंचे छह में कंप्लीट हो जाता अगले पी ब्लॉक में फिर आपको देखने को मिलेगा कि दो तीन लेक्चर में आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगी फॉर्मेलिटीज जिसका आपको खामियाजा खुद भोगना पड़ेगा तो कोशिश करिए कि जो चल रहा है उस पर आप पूरी तरीके से शिद्दत से लगे रहिए उस शिद के साथ में काम करिए हम आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करके ही पहुंचाएंगे टाइम घटेगा बढ़ेगा वो हमारे ऊपर रहेगा तो चिंता ना करें जहां पे चल रहे हैं उस पर पूरा पूरा ध्यान रहे आपका तो आप पे बढ़ेगा जब आप इधर आते हो तो आपका अमली गुड़ बढ़ता है ये आपने देखा था है ना भाई अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि जो आपके अलकली वाले थे ये तो पूरी तरीके से आपके छारी दिख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर और अल्कलाइन वाले में बेरिलियम वाला छोड़कर जो आपका बेरिलियम था बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये जो नीचे ये जा रहे हैं, ये सब के सब आपके छारी गुड़ आपको सो करते हुए नजर आते हैं छारी लेकिन आपको ये जो बेरिलियम है ये आपको दिखाता है एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है पहली बात, कि आपका ये मेटल्स के बीच में बैठकर क्या करता है एम्फोटरिक नेचर दिखाता है और जो एम्फोटरिक होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाइयों वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहे हो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते है ना तो कहने की बात है कहने की बात यह है कि बेरिलियम का ऑक्साइड हो बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड हो ये सब के सब क्या है आपके एम्फोटरिक होंगे चाहे इनमें बेस डालिए तो अपने आपको एसिड के तरीके से ट्रीट करा के रिएक्ट कर लेंगे अगर इसमें एसिड डाल रहे हैं तो अपने आपको बेस के तरीके से ट्रीट करा के कर लेंगे भाई ठीक है चलिए आगे हम चलते हैं तो बेरिलियम के जो भी कंपाउंड होंगे बेरिलियम तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि चलिए बता दीजिए ए बी सी डी ऑप्शन है इनमें से कौन सा छारी है या कौन सा छारी नहीं है तो उसमें एक ऑप्शन आपका बेरिलियम ऑक्साइड भी हो जाएगा जहां पे बेरिलियम देखिए आपको थोड़ी देर के लिए वहां पे रुक जाना है इनके गुड़ आपको थोड़े से अलग देखेंगे अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है ऐसा होने की वजह क्या हो रही है इसके होने के पीछे की वजह क्या है कि जो बेरिलियम पे टू प्लस चार्ज आ रहा है बेरिलियम पे टू प्लस चार्ज होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जा रही है और मैं आपको एनसीआर पढ़ा रहा हूं भाई तो एनसीआर का एक एक लाइन में आपको बोलूंगा आप मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगी आपकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि इनके अंदर पोलराइजेशन का नेचर आने लगेगा पोलराइजेशन गुण आपका क्या होगा बढ़ने लगेगा पोलराइजेशन नेचर और होता क्या है कि इसके साथ में आप ऑक्साइड लगाए और टू माइनस तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज लगाते चले जाते तो साइज में वो बड़ा होता चला जाता है अब ये साइज में बड़ा होने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक साइज में बड़ा है और केटायन साइज में छोटा है तो अगर ये कैटेगरी आपको देखने को मिलती है तो आप इसी को कहते हो फजान के अकॉर्डिंग तो इसके अंदर कंप्लीटली तो नहीं लेकिन एसेंशियली कोवेलेंट नेचर आने लगता है इसके वजह से कोवेलेंट नेचर आने लगता है भाई अब कुछ इसके अंदर आयनिक नेचर है कुछ कोवेलेंट नेचर है तो कोवेलेंट नेचर के वजह से कुछ एसिडिक की तरफ इंडिकेट करने लगता है आयनिक की वजह से कुछ बेसिक इसलिए वो बीच में ही आके रह जाता है तो इसके पीछे का जो वजह है कि जो आपका बेरिलियम है बेरिलियम का चाहे आपका हाइड्रोक्साइड हो या फिर बेरिलियम का ऑक्साइड हो ये आपके क्या होते हैं नेचर के होते हैं वजह आपको इनके साइज या चार्ज डेंसिटी आप कह सकते हो तो पहला सवाल ये पहचानने के लिए दे दे तो पहचान लेंगे आप ठीक है भाई तो चले एक बात ये है जो एकदम बिल्कुल साफ साफ सवाल साफ साफ क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली रिएक्शन दिया हुआ है ना जो साफ साफ आपका है इससे रिलेटेड एक रिएक्शन है जो आपको याद करनी पड़ेगी वो रिएक्शन क्या है देखें ध्यान से कॉपी में नोट करिएगा और इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा जैसे बीई ओ एच का ट्वाइस है बीई ओ एच का ट्वाइस है और बीई ओ एच का ट्वाइस है और इसको हम अगर बेस में डाल दें किस में डाल दें मेरे भाई बेस में डाल दें तो बेस से हमें क्या मिलेगा ओ एच माइनस मिल जाएगा अगर हमने बेस में डाला है तो बेस से हमें क्या मिलेगा माइनस मिलेगा बिल्कुल बात एकदम क्लियर है अब देखिए ओ एच माइनस अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो अब ये हमारा अगर बेस है छार है, तो बेस ये कैसा काम करना शुरू करेगा भाई एम्फोटरी तो अब ये अम्ल की तरीके से काम करेगा एसिड की तरीके से काम करेगा वो भी कैसा एसिड लुइस एसिड की तरीके से ये बिहेव करेगा और लुइस एसिड क्या होगा कि इस ओ एच को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा अपने पास में एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आप टू ओ एच माइनस ले लेंगे और आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है जब आप बेसिक मीडियम में इसको लेकर गए तो आपको एक कॉम्प्लेक्स देखने को ये मिला कब बेसिक मीडियम में तो आपसे सवाल ही पूछ लेगा कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को आप कहां पर लेके जाओगे आप बेसिक मीडियम में लेकर जाओगे तो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है पहला ही सवाल आपका यही है आपकी आंखों के सामने जिसको आप लोग कहते हो बेरीलेट आयन जिसको आप कहते हो क्या बेरीलेट आयन कहते हो बेरीलेट आयन ये बात आपने सीख ली थी अब यही चीज है अब आपके आंखों के सामने अब ये तो आपने एज ए एसिड बिहेव करवा लिया अब एज ए इसको बेस बिहेव करवाना होगा तो आप इसके अंदर अब क्या डालेंगे एसिड डाल देंगे मान लीजिए कि आपके पास में क्या है ई ओ एच का ट्वाइस है अब आपको क्या करना है मेरे भाई अब इसको एज ए बेस ट्रीट करना है बेस क्योंकि एम्फोट्रिक है तो एक बार आपने एसिड ट्रीट किया तो बेस से रिएक्ट करा दिया अभी अगर बेस ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कराना पड़ेगा तो जब आप इसमें एसिड से रिएक्ट कराने जा रहे हो तो मान लीजिए कि ये आपने एस लिया हुआ एक्वस के फॉर्म में और जब एक्वस के फॉर्म में आपका एस होगा तो आपके पास तो में क्या होगा यहाँ पे वाटर भी साथ साथ चलेगा वाटर भी आपका साथ साथ चलेगा अभी फिलहाल ये आप कैसा बिहेव कर रहा है अभी आपको एक तरीके से लुइस बेस की तरीके से वर्क करता हुआ नजर आ रहा है लुइस बेस याद रखिएगा आपसे कह दे कि बेरिलेट एनायन इनमें से कब बनेगा या बेरिलेट एनायन की फॉर्मूला क्या है का प्रोसेस क्या है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई एम्पोटर हाइड्रो ऑक्साइड की कहानी है आपने एसिड डाल दिया आपने एसिड इसमें मिला दिया एक्वस फॉर्म में एक्वस है इसलिए हमने पानी को भी साथ साथ रखा हुआ इसके पीछे की वजह अभी बताता हूं लॉजिक क्या है आप जब भी रिएक्शन कराया करो तो पहले जो आपको दिया गया उसको आयनाइज फॉर्म में समझने के लिए तोड़ लिया करो खुद को समझने के लिए बी पे टू प्लस और टू ओ एच पे माइनस ये आपका क्या हो गया ये समझने के लिए आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया यहाँ पे वाटर में भी आपने यही चीज कर ली कि आपके पास में एच प्लस था और आपके पास में ओ एच माइनस था और दो आपने लिया तो आपका यहाँ पे दो ओ एच माइनस और दो एच प्लस ये आप अपने आप को समझने के लिए कहानी आपने यहाँ पे बनाई है टू ओ एच माइनस और टू ओ एच माइनस और बी पे टू प्लस और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा Cl- माइनस है यहाँ पे जैसे टूटेगा यहाँ पे एच प्लस और Cl- माइनस तो Cl- माइनस की कहानी और इनकी कहानी और इनकी कहानी अब यहीं से देखिएगा क्या होने वाला है और ये जो मैं आपको जब भी रिएक्शन बताता हूँ आयनाइज करके बताता हूँ बस ये आपको समझने के लिए ऐसे इनका कोई मैकेनिज्म या कुछ इस तरीके से इनका टारगेट नहीं होता है भाई समझ गए बात को तो जब ये कहानी बनेगी तो इस कहानी के अंदर का जो मेन पात्र है आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में यहां पे क्या है बीई ओ एच का फोर पे टू माइनस है जो ये वाला यहां पे भी दो ओ एच यहां से ले लिया ये और दो ओ एच ये यह यहां से ले लिया तो ये जो बीई है ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा बीई ओ एच पे फोर और टू माइनस और ये जो CL है, ये जो जो है, कन्वर्ट हो जाएगा सीएल टू सी एल में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऐसे. <laughs> 2CL ऐसे. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CL को ये जो ये जो है इसको लिख सकते हो सीएल टू समझिए भाई सीएल टू CL को सीएल टू लिख सकते हो और इसको बैलेंस कर दो चार्ज हटा के तो ये आपको बनता हुआ एक कॉम्प्लेक्स नजर आएगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा यहाँ पे सी टू ये ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा जब एसिडिक मीडियम में जाएगा तो और ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को आप एसिडिक मीडियम में लेकर गए या एस में आप ले जाके डुबो दिए इसको तो क्या होगा देखें इसका दो ओ एच और पानी वाला दो ओ एच मिल चार ओ हो गया और यहाँ पे एस से क्लोरीन यहाँ पे आके टच हो गया सीएल हो गया ये आपको याद रखना पड़ेगा ये वाली जो स्लाइड है ये स्लाइड आपका -E का नेचर को और और एसिड बेस में डालने पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये आपके NCRT का ही है भाई मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ ये दोनों चीज आपकी एनसीआरटी में बनी हुई है तो ध्यान रखिएगा क्या बनकर आया है फाइनल प्रोडक्ट ठीक है भाई ये कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देख लीजिएगा चले याद रहेगा आपको याद क्या रहेगा कि बीई ओ एच का ट्वाइस को अगर हम बेस में डालेंगे तो आपका बीई ओ एच का फोर पे टू माइनस एक आपका बेरिलेट आयन बनेगा ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हटा देते हैं कॉम्प्लेक्स लिखना यहाँ पे आपको बेरिलेट आयंस कह बेहतर होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा इस पे माइनस चार्ज या प्लस चार्ज इस तरीके से आपको दिखता हुआ नजर आएगा या फिर सीएल आयोनाइज होता हुआ नजर आएगा वो कहानी आगे की होगी बट आपको ये और ये दोनों याद रखना है लर्न करना है प्रैक्टिस करनी है तभी परफेक्ट हो पाओगे एस ब्लॉक पढ़ रहे हो आप ये मत भूलिएगा कि बहुत थ्योरेटिकल चीज पढ़ रहे हो उसके अंदर अब अगली कहानियां आपकी क्या है कि जैसे आपके जितने भी अलकली और अल्कलाइन है अलकली और अल्कलाइन के अंदर अगर हम हैलोजन को ले जाके इनबिल्ड कर दें तो डायरेक्टली वो टच हो जाता है आपके मेटल के साथ में लेकिन ये जो बेरिलियम है फिर बगावत कर जाता है बेरिलियम का बगावत फिर से शुरू होता है तो बेरिलियम आपका अल्कली मेटल से डायरेक्ट जो जो आपका बेरिलियम वो हो से डायरेक्ट इं, इन इंटेक्ट नहीं होता है अगर मैं यहाँ पे बेरिलियम की ही बात कर रहा हूँ तो बेरिलियम हेलाइट की बात करूंगा कि जैसे बीई एफ टू हो गया बीई सी एल टू हो गया अभी मैं आपको बेरिलियम के बारे में बता रहा हूँ भाई बेरिलियम का एम्फोटेरिक नेचर होना है बेरिलियम का ये होना इसके ही बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी तो जो बेरिलियम एफ टू है सीएल टू है मान लीजिए कि हमने यहां पर लिया बेरिलियम और हमने यहां पे एक्स टू डाल दिया एक्स फॉर यहाँ पे हेलोजन हेलोजन तो ये आपको नो रिएक्शन करेगा ये नो रिएक्शन होगा कोई रिएक्शन ये दिखाता हुआ नजर नहीं आएगा लेकिन यही आपका मैग्नीशियम हो जाएगा है ना मैग्नीशियम के नीचे बाकी सारे के सारे हो जाएंगे जिनको मैं एम लिख देता हूं एम लिख देता हूं एम फॉर सारे के सारे उसमें आ जाएंगे एम लिख देता हूं और उस पर हमने डाल दिया क्या एक्स टू डाल दिया तो आपको ये ऐसा बनाता हुआ नजर आएगा एम एक्स टू अगर आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं हेडिंग बना सकते हैं रिएक्शन विथ बना ही लीजिए रिएक्शन विथ है कोई दिक्कत नहीं है इसी में आपको दोनों चीज समझा देंगे हेलाइट मतलब समझ रहे हो ना एक्स मतलब हेलोजन एफ सी एल बी आर इनकी बात हम लोग कर रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ हेलाइट तो ये वाली चीज दोनों कंबाइन कर देता हूं एक कई बार में दोनों निपट जाएगा नहीं तो अलग अलग आपको बताना पड़ता है अलग अलग बताना पड़ता है देख ले भाई जैसे हमारे पास में क्या है अलकली मेटल्स हैं अलकली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम ये हमारे जाते हैं हाईलाइट के साथ में तो यहाँ पे X2 अगर हमने दे दिया इनको तो ये डायरेक्ट इंटैक्ट होते हैं डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा मान लीजिए इनको आप एक मेटल ना बोल रहे हो इनको आप एक मेटल बोल रहे हो मेटल ये मान लीजिए सारे के सारे मेटल कह रहे हो इनको ये मेटल्स हैं और मेटल पे आपने क्या डाला है एक्स डाला है तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एम में कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें कन्वर्ट होंगे एम में ये एस ये माइनस तो ये आपका क्या होगा एक आयनिक कंपाउंड बनाता हुआ नजर आएगा आयनिक आयोनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड क्यों बोले एक पे प्लस है एक पे माइनस है जैसे एग्जांपल ले लीजिए एल लिए। आई लिथियम पे आप फ्लोराइड डाल दीजिए लिथियम पे आप क्लोराइड डाल दीजिए सोडियम पे आप क्या डाल दीजिए फ्लोराइड क्लोराइड डाल दीजिए तो क्या बनाएंगे डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा एल आई जैसे सोडियम लिया आपने x2 लिया था ना क्लोरीन डाल दीजिए x2 x2 तो क्या बना लेगा mx mx जहां पे x बराबर आपका क्या क्लोरीन तो ये क्या हो जाएगा nacl बना लेगा तो ये आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा डायरेक्ट लिथियम का हो सोडियम का हो पोटेशियम का हो ये डायरेक्ट आपका कनेक्ट कर लेगा लेकिन आपका बेरिलियम वाली जो कहानी बनेगी वहां पे फेल होता है तो इस पे मैं आपको लेकर आता हूं बेरिलियम का नेचर जो है वो लगातार बदलता रहता है आप देखिए थे क्या हो रहा है उसके पीछे का देखिए भाई इसमें आपने लिया बेरिलियम वाला लिया बेरिलियम मैग्नीशियम और बाकी की चीजें आपने यहां तक ले ली बेरियम अगर ये आपका ये मेटल्स हैं अगर ये मेटल्स हैं अगर हमने इनको मेटल माना और इस पे एक्सटू डाल दिया तो ये आपका एम एक्स टू बना लेंगे मतलब सीधा सीधा ये हेलोजन से कनेक्ट हो जाएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे एम जी ले लिया और हमने यहां पे फ्लोरीन डाल दिया एफ टू डाल दिया तो ये बना लेगा सीधा कनेक्ट हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी लेकिन ये ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम है पे अगर हम रिएक्शन कराएंगे और डायरेक्ट ये डालेंगे एक्स टू डालेंगे तो ये आपका नो रिएक्शन करेगा अब इसके पीछे का रीजन वही पोलराइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है क्योंकि जितने भी आपके बन रहे हैं ये सारे के सारे आपके आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं आयोनिक कंपाउंड बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन जहां पे भी आपको थोड़ा बहुत पोलराइज एसेंशियल पोलराइजेशन के, के वजह से कोवेलेंट नेचर आएगा तो कोवेलेंट नेचर के अंदर आपको फिर आयनिक कंपाउंड बनता हुआ नहीं दिखेगा ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे ये इनका बनाने का मेथड ही फिर एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे अलग होगा इनको अलग तरीके से बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे बिल्कुल वेरिलियम का जितने भी हाईलाइट बनेंगे चाहे वो बीई e बनाना हो या फिर बीई e बनाना हो बिल्कुल अलग मेथड्स होगा उसके बनाने का भाई ठीक है तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि बेरिलियम आपके हाईलाइट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा डायरेक्ट तरीके से बोलो भाई बात समझ में आ गई आपको क्या करना है क्या समझ के रखना है बताओ यार ये बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि थोड़ी बगावती नेचर के हैं सारे के सारे अब आपको एक इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है ये है कि जो बेरिलियम का क्लोराइड है अभी मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग बता दूंगा कि बीई एफ टू अगर डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो रहा है तो फिर कैसे कनेक्ट होगा उसका एक बिल्कुल रिएक्शन है जो आपको याद करनी पड़ेगी बी सी एल टू की एक रिएक्शन है जो आपको याद करनी पड़ेगी वो समझा देंगे बट अभी आप एक बात देखिए कि जो बी सी एल टू है अभी हम लोग आज बेरिलियम के पीछे पड़े हैं तो जो बी सी एल टू है बी सी एल टू नॉर्मल सॉलिड के फॉर्म में सॉलिड के फॉर्म में ये पॉलीमर बनाता है भाई पॉलीमर बनाता है पॉलीमर पॉलीमर जब ये सॉलिड स्टेट में ये रहता है तो इसका जब फेस सॉलिड होता है तो कैसे पॉलीमर बनाता है देखिए बीई यहां पे आपका क्लोरीन और यहां पे आपका क्लोरीन ऐसे ही दूसरा बीई रहेगा बेरिलियम और यहां पे आपका क्लोरीन यहां पे आपका क्लोरीन और इसी तरीके से कई सारे बेरिलियम लगे होंगे साथ साथ बिल्कुल बेरिलियम और ऐसे ही आपका क्लोरीन और ऐसे ही आपका क्लोरीन लगा होगा क्लोरीन और क्लोरीन ठीक है भाई अब आप ये ध्यान से देखें कि ये क्या करेगा कि अपने क्लोरीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा इसको डोनेट कर देगा जिससे इसका अष्टक कंप्लीट हो जाए सिमिलर ही ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो साइड में बैठे हुए हैं ये क्या कर देंगे इसको डोनेट कर देंगे ऐसे ही सिमिलर सब के सब एक दूसरे बुरान को देते हुए नजर आएंगे बेरेलियम को ये आगे जाके किसी से कनेक्ट होगा ये इस तरीके से अपना क्या करेंगे अष्टक को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे अष्टक को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे भाई ऐसे अब आप यहां पे देखें ध्यान से अगर मैं इस बेरेलियम पे खड़ा होकर देखूं तो दो दो चार दो छे दो आठ आठ है कंप्लीट हो गया ऐसे ही यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो आठ यहाँ पे भी हो गया आठ यहाँ पे भी हो गया तो एक आपको एक ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है बहुलक की तरीके से नजर आ रहा होगा आपको दिखता हुआ कि एक पॉलीमर बनता हुआ जा रहा है कनेक्ट होता जा रहा है कनेक्ट तो एक कब होता है जब ये अपने सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होता है बेरिलियम सॉलिड स्टेट में होगा तो ये आपका एक पॉलीमर बनाता जाएगा और पॉलीमर बनाने का वजह क्या है पॉलीमर बनाने का वजह क्या है इसके अष्टक का कंप्लीट होना ड्राइविंग फोर्स फॉर पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब साफ है कि आप पढ़ क्यों रहे हो क्योंकि आपको जॉब चाहिए नौकरी चाहिए तो सिंपल से यहाँ पे ये बात है कि ये पॉलीमर क्यों बनाते जा रहे हैं बराबर क्योंकि इनको खुद को कंप्लीट करना है ये अधूरे हैं चार इलेक्ट्रॉन है बेरेलियम में दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो दो चार इलेक्ट्रॉन है फिर दूसरे से कनेक्ट हुआ छह इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे कनेक्ट हुआ आठ इलेक्ट्रॉन तो इनके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है इनको पॉलीमराइज़ करने का वो ड्राइविंग फोर्स क्या है ऑक्टेट का कंप्लीट करना ऑक्टेट को पूर्ण करना इनका क्या है ड्राइविंग फोर्स है और ये सॉलिड के फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस होता है पॉलीमर। अब अगर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर के इनको वेपर फेज में हम ले आए ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर हम इनको वेपर फेज में ले आए कि यही आपका क्या हो बी सी एल टू जो है वेपर फेज में हो आपका वेपर फेज में हो वेपर फेज में तब क्या होगा बी सी एल टू वेपराइज फेज में होगा तो थोड़ा सा मतलब सॉलिड से वेपर बनाने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें आप तो क्या होगा तब ये डाइमर के फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस होता है ये आपको याद करना पड़ेगा भाई ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं डाइमर कैसे बनता है आपका ये बीई एक सीएल लगा दीजिए एक सीएल लगा दीजिए और एक दूसरा बी और एक सी एल लगा दीजिए और एक सी एल लगा दीजिए ये इसको ऐसे डोनेट कर देगा ये इसको ऐसे डोनेट कर देगा भाई ये आपका डाइमर होगा डाइमर ठीक है डाइमर के फॉर्म में और आपने और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बेरिलियम को अब हाथ टेम्परेचर लेके चले गए तो इस सिंपल और सिंपल मोनोमर फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस होगा ये जो मैं बात बता रहा हूं बिल्कुल आपके एनसीआर के कहने के हिसाब से आपको सारी के सारी बातें मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूं यहाँ पे अगर ये हॉट हाँ टेम्परेचर पे हो गया मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो हाई टेम्परेचर पे फिर आपको कैसा दिखता हुआ नजर आएगा ये मोनोमर जैसा दिखेगा मोनोमर एक सिंगल यूनिट होगी इसकी मोनोमर और ऐसा क्यों हो रहा है इस पे चर्चा अभी हम तुरंत आपसे करते हैं ये आपका क्या हो जाएगा भाई ये इसी तरीके से आपको दिखता हुआ नजर आएगा मोनोमर यूनिट ऐसा क्या होता है कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो आपको मालूम है कि जो आपके ये हैं पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर सेलुलोज हेमी सेलुलोज ये सब सारी चीजें मौजूद होती हैं और ये क्या होते हैं बिल्कुल पॉलीमर्स होते हैं ये और ये पॉलीमर्स होते हैं जब आप इनको बर्न करते हो जैसे लकड़ी है लकड़ी के अंदर क्या मौजूद है यही सब तो हेमी सेल्यूलोस सेलुलोज ही मौजूद है है ना लेकिन इन वगैरह यही मौजूद है और सब क्या होते हैं पॉलीमर होते हैं जब आप उसे बर्न करते हो जलाते हो तो वहां पे आपका क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में टूटने लगते हैं कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है उसके अंदर और क्या है है ना तो कार्बन और हाइड्रोजन ये अलग अलग ब्रेक होने लगते हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी मैकेनिज्म बना के वो अपने आप को सेट कर लेते हैं कुछ बाई प्रोडक्ट और दूसरी तरफ चले जाते हैं है ना अबे ये आप चाहे जैसे भी हो भाई साहब नींद नहीं आएगी इसमें आप समझ लीजिए कि जो भी है आंख पे यहाँ पे ना वो लगा लीजिए क्लिप लगा लीजिए मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट आप पढ़ रहे हो मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट आप बिल्कुल एनसीआर पढ़ रहे हो पूरी तरीके से इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता मैं इसमें कोई भी कर्तव्य नहीं दिखा सकता जिससे आपको क्या है मजा आए बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई जल्दी इसको टच नहीं करता है कोई पढ़ाना नहीं चाहता नहीं तो बिहार स्टेट वाले पेपर में बच्चों से पूछना मैं कितना अवॉइड किया था इसको पढ़ाने के लिए बहुत वो चिल्लाते सर मत पढ़ाइए सर मत पढ़ाइए 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 मैं कह रुको आज नहीं कल आज नहीं कल तो आप यहाँ पे ना यहीं पे ऊपर से पंखे से डाल दीजिए ऐसे ऐसे कहिए रहिए बस और कुछ वही इसका उपाय यही है और है आपका थ्योरेटिकल मेरे भाई इसमें कोई भी चीज नहीं है जो मैं कर्तव्य दिखाऊं जादू दिखाऊं तो आपको मजा आए क्योंकि मैं खुद इन सब चीजों से भागता था लेकिन आप परेशान किए थे पढ़ा रहा हूँ आठ दस सवाल आता है भाई तो सुनिए अब क्या किया जाएगा है ना सत्यनारायण भगवान की कथा है <laughs> तो हमारे पास में क्या होता है कि जो पॉलीमर्स होते हैं ऐसे टेम्परेचर हम जब इंक्रीज करते जाते हैं तो धीरे 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 वो एक एक यूनिट टूटता चला जाता है और हाइड्रोकार्बन में अपना कन्वर्ट हो जाता है तो सिमिलर ये कहानी है यहाँ पे भी यहाँ यही कहानी है कि जो पॉलीमर्स हैं टेम्परेचर बढ़ाए तो अपने यूनिट्स में टूटते चले जाते हैं तो जब हाई टेम्परेचर होता है अपने सिंगल एक यूनिट में आपका मौजूद आपको देखने को मिल जाएगा भाई है ना अच्छा एक बात <laughs> एक बार बताइए हसन कि पॉलीमर बेरिलियम सॉलिड पॉलीमर है बेरिलियम वेपर फेज में डाइमर है बेरिलियम हार्ड टेम्परेचर पे क्या है आपका मोनोमर अब इसमें क्या ट्रिक मैं बताऊं जहां ट्रिक बताना था वहां बताता हूं कि नहीं बताता हूं है <laughs> सही है भाई साहब क्या किया जाए बताइए चलिए फिर आप तो फिर आप आप तैयार रहिए फिर मेढक चाल से हम शुरू करेंगे चलना कैसे कैसे कूदते कूदते भागेंगे <laughs> तैयार रहिए भाई चलिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं आगे की कहानी ये है है ना अब आगे की कहानी ये है कि हम नाइट्राइट से नाइट्रोजन से रिएक्शन करा देने कराने जा रहे हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन रिएक्शन विथ नाइट्रोजन पहली बात तो ये है कि कितना बेकार खतरनाक टॉपिक तुम लोग चूज किए हो तो क्या करेंगे झेलेगा कौन हाँ भाई जैसे आपने रिएक्शन विथ हेलोजन कर लिया था उसी तरीके से रिएक्शन विथ आपका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन अब आपके पास में देखो मेरे भाई नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के लिए जैसे लिथियम परिवार लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम

बहुत खतरनाक इंसान है ये आपका सिमिलर इन लोगों के ग्रुप में रहता है और ये नाइट्राइड बनाएगा और बनाएगा कैसा एल आई थ्री एन एन ठीक है देखो संख्या जो है आधी है अच्छा ये बाद में कहते हैं सर जब हमने बैच लिया है लाइव पढ़ने का तो आप रिकॉर्डेड क्यों देते हो तो वो यही बच्चे हैं जो इसमें गायब हैं जबरदस्त है <laughs> जब भाई देखो यार देखो यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टानशियम बेरियम आप इनको लेकर जाए नाइट्रोजन के पास में ये फटाक से क्या कर लेंगे चिपक जाएंगे और फटाक से चिपकेंगे कैसे देखिएगा ध्यान से देखिएगा चिपकेंगे कैसे मान लीजिए कि एम पे टू प्लस चार्ज चीज़ी 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 है एम पे टू प्लस चार्ज है नाइट्राइट का मतलब हो गया एन थ्री एन पे थ्री माइनस एन पे थ्री माइनस है एन पे थ्री माइनस है और एम पे टू माइनस ये देखिए ध्यान से एन पे थ्री माइनस तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर पे रहता है वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है और जो यहाँ होता है वो पे क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है कुछ इस तरीके से बनते हैं तो ये जब यहां आएगा यहाँ पे, तो पे मेटल पे हो जाएगा थ्री और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन पे हो जाएगा मेरे भाई टू मेटल नाइट्राइड आपका अल्कलाइन के लिए आपका ऐसा कुछ होगा आपको समझ में आया मैंने क्या किया मेटल पे टू प्लस चार्ज है और एन पे थ्री माइनस चार्ज है तो मैंने कहा था कि जब भी कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है तो जो पावर होता है वो नीचे इधर आएगा और इसका पावर इधर आएगा तो ये कंपाउंड ऐसे बनते हैं है है ना भाई तो ये आपका क्या बना है? M3, N2 बना हुआ है। बिल्कुल बात समझ में आई आपको तो आपने एक बात देखी कि जो आपके मेटल्स हैं यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं अगर मैं साफ साफ लिखना चाहूं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अगर हमने मेटल लिख दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया N2 और ये रिएक्ट कर रहा है मान लीजिए साइन लगा दिया कि यहाँ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें जो M होगा वो M होगा लिथियम तो होगा ही पड़ोस वाला और बेरिलियम से लेकर बेरीलियम टू बेरियम तक बेरिलियम से बेरियम तक वाले क्या करेंगे नाइट्राइड बनाएंगे नाइट्राइड बनाएंगे और अगर हम यहीं पे ये लिख दें ऐसे लिख दें कि मेटल जो है हमारा एन टू से नहीं भिड़ेगा तो इनमें जो मेटल होगा वो मेटल कौन कौन से होंगे मेरे भाई जो बेरिलियम लिथियम वाले में से जो छूट गए हैं कौन से सोडियम पोटेशियम सीज़ियम ये सब के सब क्या होते हैं ये एन टू के साथ में इनका कोई भी बवाल वर नहीं है तो ये नीचे वाली दो लाइन आपको ध्यान देनी पड़ेगी नाइट्राइड बनेगा तो बनाने वाले में अल्कलाइन सारे के सारे बनाएंगे और इसका एक लिथियम उनके साथ में टच होकर बनाएगा बाकी जितने भी मेटल्स है वो नाइट्राइड्स बनाएंगे ही नहीं बोलो भाई बात समझ में आ गई आपको अब इसमें क्या याद करना है कि अल्कलाइन वाले जितने हैं ग्रुप सेकंड वाले सारे के सारे नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड देंगे और फर्स्ट वाले में केवल और केवल आपका क्या होगा लिथियम ही होगा बोलो ये बात आपको क्लियर है या अभी भी डाउट है बोलो क्लियर है अब यही जो नाइट्राइड बना है उसको ले जाके कहां पे डुबो दो पानी में डुबो दो अब इसी नाइट्राइट को ले जाके कहां पे डिप मार दो पानी के अंदर उठा के फेंक दो तो पानी के अंदर उठा के फेंकोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सा गैस लिबरेट होगा यही अगला सवाल होगा आपका तो मेरे भाई मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको नोट्स बनानी है बार बार आपको किताबों से पढ़ना है हेडलाइन आपको बढ़िया से तैयार करके इसको ढंग से रखना है इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है लिथियम नाइट्राइट को हमने पानी में उठा के फेंक दिया ये जो आपने नाइट्राइट बनाया था उसी नाइट्राइट की बात कर रहा हूं मैं चाहे जो भी नाइट्राइट हो आपने उसको उठा के पानी में फेंक दिया तो गैस कौन से लिबरेट होती है उस कहानी को समझते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से कि लिथियम है तो यहाँ पे थ्री एल आई पे प्लस और यहां पे आपका हो जाएगा एन पे थ्री माइनस ठीक है भाई यही हो जाएगा अब यहां पे हमारा एच टू ओ है यहां पे हो जाएगा एच प्लस और यहां पे हो जाएगा ओ एच माइनस ठीक क्लियर है बात अब ध्यान से देखें ध्यान से देखें भाई यहां पे ओ एच माइनस और यहां पे एल आई प्लस तो ये क्या आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता हुआ नजर आ रहा है भाई उस मेटल का है। जो मेटल का नाइट्राइड है उसका हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिल गया थ्री पे पे माइनस एक एच प्लस दोगे तो टू दो दोगे तो एक ऐसे देते चले गए तो तीन एच प्लस देना पड़ेगा आपको इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर बैलेंस करने के लिए तीन प्लस और तीन माइनस तो तीन एच प्लस दो तो क्या बना लेगा भाई अमोनिया बनाएगा क्या बनाएगा ये अमोनिया ही तो बनाएगा इससे मिलकर तो यहाँ पे आपको जो गैस रिलीज हो रही है वो गैस हो रही है अमोनिया गैस रिलीज होती हुई आपको नजर आ रही है तो आपसे सवाल क्या पूछ लेगा आपसे सवाल पूछ देगा कि लिथियम का नाइट्राइड जब आपने पानी में डाला है तो कौन सी गैस लिबरेट हुई है तो उसमें एक ऑप्शन एन गैस भी आ जाएगा एक ऑप्शन अमोनिया भी रहेगा और ऐसे ही एक दो ऑप्शन और बने हुए नजर आएंगे तो मेरे भाई यहां पे आपको अमोनिया जरूर जरूर याद रखना पड़ेगा एन टू आपको एकदम पहला ही ऑप्शन भन्न से आएगा एन टू नाइट्राइड आते ही दिमाग में एन टू जाएगा लेकिन आपको क्या दिखेगा अमोनिया गैस निकलते हुए नजर आएगी सिमिलर ही जब आप आगे बढ़ेंगे सिमिलर ही आगे बढ़े आगे बढ़े सिमिलर लेकर क्या लिया आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम ले लिया एम जी थ्री एन टू ले लिया एम जी थ्री एन टू इसको आपने पानी में उठा के फेंक दिया पानी में उठा के इसको फेंक दिया अब जब आपने इसे पानी में उठा के फेंका फिर वही कहानी आपको देखने को मिलेगी भाई एम जी पे क्या हो जाएगा टू प्लस आ जाएगा और एन पे थ्री माइनस आ जाएगा बैलेंस छोड़िए कि दो है कि तीन है उससे मतलब नहीं है दो तीन पे नहीं जाइए चार्ज पे जाइए और यहाँ पे क्या होगा आपका एच प्लस होगा और क्या होगा भाई ओ एच माइनस होगा तो एम जी पे टू प्लस क्या बना लेगा आपका एम जी ओ एच का ट्वाइस और ये एन थ्री माइनस और ये एच प्लस मिला के यहाँ पे क्या बना लेंगे अमोनिया बना लेंगे तो आपको एक बात समझ में आ गई कि मेरे भाई कि अगर आपको मेटल का नाइट्राइड दिया गया है अगर उसको आपने पानी में डिजोल्व किया या फिर उसकी एडोलिस की है तो उस मेटल का रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड प्लस में अमोनिया गैस लिबरेट होती हुई आपको दिखेगी बोलिए भाई एकदम साफ है साफ है बिल्कुल साफ है या फिर इसमें भी अभी परेशानी ही परेशानी है चलिए धीरे 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 आगे बढ़ ही रहा है कारोबार कभी कभी क्या होता है कि हमें जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ होती है वो थोड़ी सी कड़वी लगती है तो ये जो आपका मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट है आपके पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है छः सात आठ नौ सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं तो थोड़ा सा तीखा लगेगा ही ना? बस इनको क्या चाहिए कि सर ना थोड़ा नाचे ऐसे ऐसे ना चिल्लाए चीखे ऐसे ऐसे करें है ना तब इनका मजा आएगा लेकिन आज मैं बड़ा शांति मूड में हूँ एकदम बिल्कुल तसल्ली से रिएक्शन लिखूंगा देखो भाई आगे हम आपको लेकर चलते हैं अब हम आपको कहानी को थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं ट्विस्ट ये है यही चाह रहे हो ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जादूगर बनाए रहे हैं तो ऐसे अच्छा एक बार के तुम्हें बातें सुनाता हूँ छोड़ो ऐसे सामने ही ऑफलाइन वाले बेंच में अः सामने ऐसे बच्चे बैठे थे तो एक आ, लड़की बैठी हुई थी जस्ट पहले वाले बेंच पे तो मैं कुछ पढ़ा रहा था उसमें आ, वो पता नहीं क्या ऐसी चीज थी शायद वो रेडिएशन वेडिएशन निकल रहा था तो मैं कहा कि वो एक बंडल में या कुछ ऐसे ऐसे निकलता है ऐसे ऐसे करके जाता है ना तो लड़की सामने बैठी थी तो एकदम बिल्कुल मेरे तरफ थी तो मैंने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया कि अरे हाँ ऐसे ऐसे धागे की तरह था वो मैं कौन भूल रहा हूँ कि कौन से है तो धागा जैसे खोलते हैं वैसा होता है ऐसे ऐसे मैं कर रहा था तो मेरे हाथ पे वो देख रही थी मैं धागा ऐसे 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 ऐसे, खोल रहा था ऐसे देखो तो धागा खोलता जाएगा वो देखती देखते ऐसे सो गई हम <laughs> क्या <laughs> ये तो बहुत सही था यार इसका दिमाग घूम गया धागा खोलते खोलते है न रो ही नहीं थी भाई वो सो गई पट से मात्र तीस सेकेंड पैंतीस सेकेंड में सो गई पट सही से मुंडी उसकी लटक गई हम क्या ये सही था ये उसका दिमाग तो ऐसे था ना ऐसे तुम लोगों को भी धागा खोलेंगे ऐसे ऐसे देखते रहो देखते रहो अरे भाई साहब ऑफलाइन में यही होता है थोड़ा इधर उधर पानी वानी मार के जगाए रहते क्या करूंगा यहाँ पे नाचता हूँ रुको करता हूँ कुछ कुछ करता हूँ व्यवस्था तुम्हारे लिए बोरिंग से न लगे देखो भाई तुम्हें बोरिंग ना लगे तो मैं कुछ बताता हूँ है ना जो हवा है है ना हवा के अंदर दो बातें हैं एक तो ऑक्सीजन है जो आप लील रहे हो रोज और एक नाइट्रोजन है जिसकी प्रचुर मात्रा अवेलेबल है उसके बाद में थोड़े बहुत परसेंट में बाकी एकाकस चीजें हैं देखो ध्यान से यहां पे कि अगर हम एयर में लेके उठा के फेंक दें रिएक्शन विथ एयर देखो मेरे भाइयों रिएक्शन विध एयर अब थोड़ा तुम लोग एनर्जी में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान सा टॉपिक है मेरे भाई तुम लुल हो जाओगे हम भी ऐसे लुल हो जाएंगे हम बता रहे हैं तुम्हें तुम्हारी एनर्जी रिफ्लेक्ट मारती है हमको तुम एनर्जी में हो हम एनर्जी में पक्की बात है तुम निगेटिव में हो हम भी गए काम से रिएक्शन एयर एयर तो आप हमें बता दो कि में क्या क्या मौजूद होता ना है एक ऑक्सीजन मौजूद होता है और एक आपका नाइट्रोजन मौजूद होता है और बाकी एक परसेंट में बाकी चीजें होती हैं तो अब आप मुझे बता दो कि नाइट्रोजन का लगभग लगभग परसेंटेज इन एटमोस्फियर कितना है और ऑक्सीजन इन एटमोसफियर कितना है अदर्स कितने हैं एक बार हमें बता दो तो और एनर्जी अब छोड़ना बंद करो थोड़ा सा सीखते बीस इक्कीस परसेंट आपका क्या हो जाएगा फिर ऑक्सीजन और एक परसेंट में बाकी कहानी आपने बना ली अदर्स करके अब आपको मैंने दो बातें पढ़ाई थी कि एक ऑक्सीजन के साथ में जब आप रिएक्ट कराते हो मेटल्स और मेटल्स के अल्कलाइन जो आपका ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड उनको ऑक्साइड बनाए थे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या नाइट्रोजन वाली रिएक्शन करवाई है गौर से सुनिएगा अब हाँ पे ध्यान से। ध्यान से से सुनिएगा मेरे भाई कि जैसे ही आपने यहाँ पे लिया लिथियम आपने लिया सोडियम यहाँ पे लिया पोटेशियम आपने यहाँ पे लिया रोबीडियम और आपने यहाँ पे लिया सीजियम और आपने इसमें एयर डाल दिया भाई एयर के प्रेजेंस में ये कहानी आपने शुरू कर दी तो मुझे एक बात बता दो यार कि एयर में क्या क्या मौजूद है एयर में मौजूद है नाइट्रोजन और एयर में मौजूद है ऑक्सीजन यही तो मौजूद है एयर के अंदर दोनों चीजें होंगी ना कि एक चीज होगी दोनों चीजें होंगी पक्की बात है दोनों चीजें होंगी और दोनों चीजें अलग अलग आपने पढ़ी हुई अभी मेरे से कल मैंने आप लोगों को ऑक्साइड पढ़ाया था आज मैंने आप लोगों को नाइट्राइट पढ़ा दिया है और दोनों ऑक्साइड और नाइट्राइट की कहानी अभी आप जोड़ लोगे देखो देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हो जो पढ़े हो उसी को समराइज करता हूं मैं अब यहां पे ध्यान से देखो N2 नाइट्रोजन और O2 मैंने दोनों चीज लिखी हुई साथ में तुम चाहो तो एयर लिख लो यहां पे हवा लिख लो हवा में तो ये दोनों चीजें मिलेंगी ना N2 लिखा आपने O2 लिखा आपने N2 लिखा आपने O2 लिखा आपने N2 लिखा आपने आपने O2 लिखा अब मुझे एक बात बता दो यार एक बात बता दो लिथियम आपका नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा हाँ या ना लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा हाँ या ना बोलो यार बताओ मुझे लीथियम जो है नाइट्रोजन से रिएक्ट करने वाला है अरे बोलो बोलो लिथियम करेगा हाँ कई लोग करें रहे हैं अरे लिथियम लिथियम राहुल भाई प्रियंका काहे ना ना कर रहे हो अभी तो आपने थोड़ी देर पहले यहां पे देखा है रिएक्शन करवाई है यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ना लिथियम में नाइट्राइड बना था ये देखो ना लिथियम लिथियम और बाकी नहीं कर रहे थे और इधर तो सारे के सारे कर रहे थे याद है कि नहीं भूल गए अभी जब यहाँ पे लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट किया था तो प्रोडक्ट क्या बना था भाई लिथियम का नाइट्राइड बना था Li3N बना हुआ था और ऑक्सीजन का लिथियम के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई थी तो लिथियम का ऑक्साइड बनाया था आपने याद है आपको ना लिथियम का ऑक्साइड वो क्या है एल आई टू ओ बोल दो यार क्या ये बात तुम्हें याद है बोलो यार क्या ये बात याद है तुम्हें ऑक्साइड अब मुझे एक बात बता दो क्या सोडियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा क्या सोडियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा पोटेशियम नाइट्रोजन से करेगा रूबीडियम नाइट्रोजन से करेगा सीजियम नाइट्रोजन से करेगा बोलो करेगा या नहीं करेगा नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि एयर में ले जाएंगे तो सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम के नाइट्राइड नहीं मिलेंगे लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के वजह से इनके ऑक्साइड इनके पर इनके सुपर मिलने ही मिलने हैं इट मीन्स कि यहाँ पे आपका नाइट्राइड तो नहीं है बट यहाँ पे आपका सुपर ऑक्साइड एन और मान लीजिए आपका साथ साथ में ऑक्साइड ये दोनों चीज आपको मिल सकती है नाइट्राइड देखो गायब एयर में अब नाइट्राइड है ही नहीं इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी वही पोटेशियम है आप कह सकते हैं आपका सुपर ऑक्साइड आप कह सकते हैं आपका RbO2 आप कह सकते हैं आपका CsO2 ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या है आपकी एयर के प्रेजेंस में है नाइट्राइड केवल और केवल आपको यहां पे देखने को मिला था जब आपने लिथियम का रिएक्शन करवाई थी अब सिमिलर में अगर आपको लेकर चलू सिमिलर बिल्कुल बेरिलियम वाले फैमिली में लेकर चलू बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम टाइमसियम ये अब यहां पे अगर हमने नाइट्रोजन दिया और एयर दिया है ना भाई नाइट्रोजन दिया ऑक्सीजन दिया नाइट्रोजन दिया ऑक्सीजन दिया नाइट्रोजन दिया और ऑक्सीजन दिया नाइट्रोजन दिया और ऑक्सीजन दिया ये क्या है भाई एयर ही है आप एक तरीके से इनको एयर मानो हमने तो दोनों चीज लिख दी अगर कहीं कहीं एयर ही लिखा होगा तो हवा ही है वो और कुछ ऐसा नहीं है हवा है अब मुझे बता दो मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्सियम स्टानशियम बेरियम के नाइट्राइड बनेंगे या नहीं बनेंगे तो आपका जवाब क्या होगा हाँ बनेंगे तो आप यहां पे बना लेंगे भाई आप क्या बनाएंगे यहां पर बीई बीई थ्री एन टू बीई थ्री एन टू है ना बी थ्री एन टू बनेगा और इनका ऑक्साइड तो बनना ही बनना है तो ई ओ बन जाएगा यहां पे बी आपका क्या बनेगा एमजी थ्री एम जी थ्री एन टू बनेगा और यहां पे इसका ऑक्साइड बन जाएगा एमजीओ बन जाएगा बोलो यार यहां पे सीए थ्री एन टू बन जाएगा और इसका ऑक्साइड बनेगा कैल्सियम ऑक्साइड बनना ही बनना है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एस आर थ्री एन टू बन जाएगा और यहाँ पे ये तो ऑक्साइड बनाते हैं ये तीनों के तीनों ऑक्साइड बनाते हैं मेरे भाई याद होगा आपको ये ऑक्साइड बनाते हैं और ये वाले नीचे वाले क्या बनाते हैं नीचे वाले पर ऑक्साइड बनाते हैं पर ऑक्साइड याद है कि नहीं पर ऑक्साइड ये बनाते हैं नीचे वाले तो ये पर ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एस आर ओ टू और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ए थ्री एन टू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए बोलो भाई हवा में लेके गए अलकली और अलकलाइन को आपको प्रोडक्ट मिल गया क्या ये बात आपको समझ में आई आपके भेजे में गई या फिर अभी भी आप उलझ गए हो लटक गए हो बोलो यार चले आगे अब आपने क्या किया है आपने लिथियम आपने क्या किया है यहां पे कि पहले आपने ऑक्साइड पढ़ा ऑक्साइड में आपने किसी के ऑक्साइड बनाए किसी के पर ऑक्साइड बनाए किसी के सुपर ऑक्साइड बनाए है ना फिर जो ऑक्साइड था याद करिएगा ध्यान से, ऑक्साइड को पानी में उठा उठा के फेंका आपने, पानी में उठा उठा के फेंका तो आप लोगों ने देखा कि किसी में आपको हाइड्रोजन पर निकलता हुआ नजर आया तो किसी में हाइड्रोजन पर के साथ में ऑक्सीजन निकलती हुई नजर आई फिर आपने नाइट्राइड बनाया है ना इट्राइड बनाया नाइट्राइड बनाने के बाद में देखा कि किसने नाइट्राइड बनाया है किसने नहीं बनाया है फिर उसके बाद में आपने उसको पानी में उठा के फेंका तो आपको देखने को मिला कि जो भी मेटल था उनका हाइड्रोक्साइड मिला है और अमोनिया गैस रिलीज हुई है फिर आपने एयर में उठा के मेटल को डाल दिया जहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मौजूद हैं तो दोनों आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली रिएक्शन जो है कंबाइन हो गई कितना आसान है भाई कितना आसान है समझ नहीं आया फिर से फिर से सुना देता हूं आपके पास में मेटल था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने किसी का ऑक्साइड बनाया किसी का परऑक्साइड बनाया किसी का सुपर ऑक्साइड बनाया फिर उसको उठा के आपने पानी में डाला तो जब आपने पानी में उसको डाला तो किसी ने आपका क्या किया बस लिथियम का जैसे मान लीजिए किसी का हाइड्रोक्साइड बना किसी का हाइड्रोक्साइड के साथ में पर भी निकला किसी के हाइड्रोक्साइड के साथ में पर प्लस ऑक्सीजन निकला यही तो हुआ था पानी में फिर आपने क्या किया नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दी तो किसी का नाइट्राइड बना और किसी का नहीं बना फिर उठाया नाइट्राइड को उठा के पानी में डाल दिया तो उसका हाइड्रोक्साइड बना और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हुई फिर आपने उठाया उठा के एयर में डाल दिया जहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मौजूद थे तो दोनों रिएक्शन को आपने कंबाइन कर दिया क्या ही था बोलो भाई समझ गए समझ गए ना यही तो कहानी हुई है मेरे भाई चलिए अब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन लेकर चलिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में आपको रिएक्शन कराना है जैसे आपने वहां पे हेलोजन लिया था एच X2 टू लिया था अब यहाँ पे आप क्या करोगे एच टू ले लोगे बस सिंपल सी बात हो अब आपके पास में जैसे मेटल हुआ मेटल पे आपने क्या कर दिया मेरे भाई एच टू ले लिया है मेटल पे तो ये आपका बना लेगा एम एच बना लेगा ये प्लस और तो ये माइनस तो एक तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड है ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड बनाएगा आयनिक कंपाउंड बनाएगा समझ गए और मेटल में जो आपका मेटल है वो क्या है आपका पूरा का पूरा लिथियम सोडियम पोटेशियम सीज़ियम सब के सब क्या हो रहे हैं इसी तरीके से एमएच बना लेंगे मेटल हाइड्राइड आपका लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड ऐसे बना लेंगे अब यही चीज अगर हम इधर लेकर चलते हैं आपको इस परिवार में लेकर चलते हैं तो इस परिवार में अगर हमारा मेटल है और मेटल पे हमने क्या कर दिया H2 गैस पास कर दी तो यहाँ पे आपका MH2 तो मिलेगा मिलेगा सारी कहानी सिमिलर होगी ये भी आपका आयनिक ही होगा लेकिन यहाँ पे जो मेटल में आयनिक ही होगा लेकिन जो यहाँ पे मेटल होगा वो बेरिलियम कर छोड़ कर होगा एम होगा कैल्शियम होगा इस्टानशियम होगा बेरियम होगा एम बराबर बेरिलियम अगर जो है तो ये आपका डायरेक्ट एच टू से रिएक्ट नहीं करेगा जैसे वहां पे था वहां पे था अगर मैंने यहाँ पे बेरिलियम लिया और इस पे एच टू को छोड़ दिया तो ये नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा जैसे हेलोजन में आपने देखा था वहां पे नहीं कनेक्ट हुआ था और यहाँ पे भी ये कनेक्ट नहीं होगा बिल्कुल तो यहां पे जो बीई एच टू है उसके बनाने का अलग ही मेथड होगा अलग ही मेथड होगा मेरे भाई उसको बनाने का बोलो यार इतनी बात समझ में आ गई बेरिलियम देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर आप शो कर रहा है भाई बी एच टू फॉर्म नहीं बेरिलियम का आइए देखिए अब अब हम आपको लेकर चलते हैं दोनों बातों पे कि जैसे आपके पास में बेरिलियम का हाइड्राइड था हाईलाइट था बीई एफ टू था बी सी एल टू था ये सब नहीं बन रहे थे डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं हो पाए थे है ना अब ऐसे ही आपका बी एच टू भी आपका नहीं बना ये भी आपका रिएक्शन से नहीं बना तो इनकी फॉर्मेशन तो कोई ना कोई तो तरीका होगा ना ये किस तरीके से बनेंगे जब इनका फॉर्मेशन वैसे नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए तो अब इनको हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एफ टू बी ई एफ टू पहली ये फॉर्मेशन इसकी फॉर्मेशन कोई बताएगा क्या देखे भाई ध्यान से ध्यान से देखें यह है अमोनियम याद रखिएगा अमोनियम अमोनियम देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा अमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरीलेट। पूरा इतना बड़ा नाम लिख दिया मैंने अमोनियम टेट्राफ्लोरोट है ना अमोनियम टेट्राफ्लोरोट अमोनियम को क्या लिखते हो आप लोग ऐसे लिखते हो एन एच फोर प्लस ये अमोनियम आयन होता है है ना टेट्राफ्लोरो मतलब आपका क्या है चार फ्लोरीन है टेट्राफ्लोरोट बीई मतलब साफ साफ है कि बीई टेट्राफ्लोरो बेरिलेट आयन यहां पे टू माइनस लगा दें टू माइनस लगा दें मैंने बस इस नाम को हल्का सा बस क्या किया है इस तरीके से लिख दिया है अगर यहां पे दो माइनस चार्ज है तो मुझे यहां पे दो प्लस चार्ज भी लगाना पड़ेगा इस दो प्लस चार्ज को लगाने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पे जो लिखा हूं ये जो लिखा हूं अमोनियम इसको दो ले लूंगा ऐसे या फिर यहां पे ले लूंगा ऐसे ऐसे दो जिससे काउंटर बैलेंस हो जाए यहां पे दो प्लस यहां पे दो माइनस जब ये काउंटर बैलेंस कर देंगे तो काउंटर बैलेंस करने पे क्या एन एच फोर बी एफ है आपका अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट। इसी को आप अगर जब हीट कर देंगे यही हीट करने पर आपको दे देता है बीई एफ टू बीई एफ टू यही चीज है ना अब ये चीज इसी का फॉर्म है अगर ये आपका फॉर्मूला तो इस फॉर्मूला का आयोनाइज फॉर्म यही है ये आयोनाइज फॉर्म है तो ये वाला जो चीज है बीई एफ फोर ये आपका क्या है ये टूटेगा तो किस में टूट जाएगा बीई एफ टू में टूट जाएगा और प्लस एफ प्लस आपका क्या हो जाएगा एफ अलग हो जाएगा एफ माइनस प्लस आपका अलग आ जाएगा यहाँ पे एक तो बीई एफ टू निकल जाएगा एक आपका ये एफ माइनस निकल जाएगा यही तो होगा भाई अरे देखो अमोनियम टेट्रा को हीट कर रहे हो तो मान लो जो इसको पहले आयनाइज फॉर्म में करा आपने तो ये टूटा अब आयनाइज़ फॉर्म में एक किया ये तो ये टूटाइना बीई एफ फोर पे टू माइनस से बीई एफ टू आपने बना दिया और जो बचा खोचा जो आपका फ्लोरीन है वो फ्लोरीन ये हो गया अब ये जो फ्लोरीन है इस वाले अमोनियम से जो एनएच फोर प्लस है अटैच होके अमोनियम फ्लोराइड बना लेगा भाई ये वैपर होता है एन एच फोर एफ बैलेंस हम बाद में कर लेंगे तो ये आपका क्या हुआ ये रिएक्शन हुई ये आपकी क्या हुई रिएक्शन हो गई भाई रिएक्शन ये याद करना है आपको बीई एफ टू आपका कैसे बनता है बीई एफ टू बनाने का जो मेथड्स है उसमें आपने अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट को क्या किया है हीट कर दिया है तो बीई एफ टू आपको मिल गया और आपके साथ में एन एच फोर एफ मिल गया अब ये चाहे तो बाद में बैलेंस कर लें। जैसे यहाँ पे चार एफ है यहाँ पे दो एफ यूज कर लिया है तो दो एफ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपने दो अमोनिया है तो यहां पे आपने दो अमोनिया बैलेंस करने की बात है वो अलग कहानी है बोलो यार ये बात आपको आई याद कर लोगे रट के बैठ जाओगे बी एफ टू कैसे बनेगा अमोनियम टेट्राफो फ्लोरो याद होगा खोपड़ी में बैठा रहेगा या भुला जाओगे अरे सन्न हो गए क्या यार याद रहेगा ना क्या रहेगा अमोनियम टेट्रा फ्लोरो आयन को हम हीट कर देंगे तो हमें बीई एफ टू मिल जाएगा और एनएस फोर एफ हमारा एक बेपर के फॉर्म में मिलता हुआ नजर आएगा अब फॉर्मेशन आप बीई सी एल टू फॉर्मेशन ऑफ बी सी एल टू तो बीई सी एल टू के फॉर्मेशन का आसान सा तरीका यूनिक तरीका है वो क्या है आप ले लीजिए बीई ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड ले लीजिए Be आप साथ में एक कार्बन की रॉड ले लीजिए और सी टू गैस इसमें पास कर दीजिए याद करना है भाई नहीं कोशिश नहीं करना है दिन में सुबह शाम दिन में सुबह शाम एक बार रफ रफ, रफ आपको पांच मिनट दस मिनट देखते रहना है मैं आपको साफ साफ बता दूं ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए ये रिएक्शन करेंगे जब आप इस रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पे आपका क्या होगा यहाँ पे आपका सी एल माइनस आएगा है ना ये कार्बन जो है इससे ऑक्सीजन छीन कर पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालेगा और फिर उसके बाद में जो बीई है इस पे टू प्लस चार्ज है टू प्लस चार्ज ये क्या करेगा इस क्लोराइड से कनेक्ट होके जो दो क्लोराइड है इससे कनेक्ट होके यहाँ पे बीई सी एल टू में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है भाई तो ये ध्यान रखेंगे कि बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन रॉड और उसमें सी एल टू गैस पास होगी तो क्या होगा आपका बेरिलियम क्लोराइड आपको मिलेगी ये सारी के सारी रिएक्शन आपके एनसीआर में ऐसे मेंशन है आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो बस दो मिनट का इंतजार करिए आपको दिखाता हूँ कि जो पढ़ रहे हो आप वो बाहर की चीजें नहीं पढ़ रहे हो बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई अब अगला आपके जो बेरिलियम का हाईलाइड था वो जो है वो नहीं रिएक्ट कर रहा था वो नहीं रिएक्शन हो रही थी लेकिन बनता है तो उसको भी बना देते हैं भाई फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एच टू अब इसको कैसे बनाना ये भी देख लीजिएगा यही तीन चीजें नहीं बन रही थी ना एक हेलोजन में हम गए थे एक हाइड्राइड में गए थे यही दो से तीन चीजें हमारी नहीं बन रही थी तो इनको बनाने के लिए अलग मेथड्स होते हैं तो इनको हम अलग तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जो बीई बीई सी एल टू लेना है बीई सी एल टू लेना है बीई सी एल टू ये लेना है और इसमें आप लिथियम एलमुनियम हाइड्राइड लिथियम प्लस एलमुनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई ये आपको मालूम होगा ये बात लिथियम एलमुनियम हाइड्राइड एक आपका क्या है रिड्यूसिंग एजेंट होता है याद होगा ना ये क्या होता है मेरे भाइयों ये होता है हाइड्रोजन डोनर होता है डोनर ये क्या करेगा ऐसे ये आपका क्या करेगा यहां से एक हाइड्रोजन ऐसे यहां से देगा और ये इस पे कनेक्ट करेगा ये यह हाइड्रोजन यहां से यहां से सीएल निकलेगा एक आपका एक सीएल बाहर और एक हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा दूसरा हाइड्रोजन आएगा ये भी सीएल यहाँ से बाहर तो यहाँ पे बेरिलियम पे सी रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन लगता चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बीई एच टू बन जाएगा और देखो यहाँ पे लिथियम प्लस है खाली तो नहीं बैठा रहेगा तो एक क्लोरीन जो हवा में उड़ी है उसको पकड़ के लिथियम क्लोराइड बना लेगा अब यहाँ पे एल्यूमिनियम पे एक हाइड्रोजन निकला एक प्लस हाइड्रोजन निकला एक प्लस ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है तो ये भी क्या करेगा हवा में उड़ती हुई क्लोरीन को पकड़ेगा और ए एल सी एल थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका क्या हुआ बीई एच टू बनाने का बेस्ट मेथड आपको ये देखने को मिल गया कि बेरिलियम क्लोराइड का आपने क्या कर दिया आपने लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड से ट्रीटमेंट कर दिया आपको ये चीज मिल गई तो बोलो यार आपको जो हेलोजन था आपको जो आपका हेलोजन और आपका हाइड्रोजन दोनों में बेरिलियम के कंपाउंड नहीं बन रहे थे डायरेक्टली तो उनको इनडायरेक्टली मेथड से बनाना हुआ तो वो इनडायरेक्टली मेथड ये है आपका एक में आपने क्या यूज किया एक में आपने देखें ध्यान से फिर से एक में आपने यहाँ पे यूज किया अमोनियम टेट्रा फ्लोरोट यूज किया उसको हीट कर दिया फिर एक में आपने यहाँ पे यूज किया बेरिलियम का ऑक्साइड कार्बन और सीएल टू और आपका यहाँ पे क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और आपके पास में बेरिलियम का क्लोराइड निकला उसके बाद में आपने फॉर्मेशन ऑफ आप बी टू के लिए क्या किया आपने बिल्कुल बीई सीएल टू को आपने क्या कर दिया लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड के अंदर रिड्यूस करवा दिया बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई या अभी भी कोई परेशानी दिक्कत कुछ है तो बताओ कुछ परेशानी है एनी एनी डोप्स बोलो भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ क्लियर है ना तो चलिए क्लियर है तो अब इसके आगे की कहानी अब हम आपको कल सुनाएंगे और लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं सारी मजाक की बातों से हट कर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है वाकई में बहुत बोरियर टॉपिक है और इसको कोई टच नहीं करना चाहता है इवन मैं भी बहुत इसको इग्नोर कर रहा था पढ़ाने के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है लर्न करना ज्यादा हो जाता है रिएक्शन वेक्शन में कौन से गैस वैस थोड़ा सा लगता है कि ये है बट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है और जब टीचर पढ़ाता है तो उस समय अगर आप पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेंगे तो टीचर अपने आप को बहुत तरीके से वो कर सकता है एडजस्ट अगर आपके नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो अपने आप को धीरे 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 ऑटोमेटिकली डिमिनिश कर लेता है खत्म हो जाती है चीज़ें उसकी एनर्जी तो आप लोग हमेशा एनर्जेटिक मोड में रहिए पॉजिटिव वाइब्स आपकी होनी चाहिए एकदम उस तरीके से तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है अब निगेटिव छोड़ोगे कि नींद आ रही है सो रहे हैं है ना पता नहीं कैसा टॉपिक है क्या है तो फिर सामने वाला भी लेजीनेस हो जाएगा उसके अंदर भी आएगा तो गौर करेंगे आप कि <clears throat> जितना अभी तक हुआ है ये अभी हम आपको चैट बॉक्स में आपके डाल देते हैं जो बच्चे कह रहे थे वीडियो अपलोड करने को वीडियो अपलोड कर देते हैं अभी तो वो सारा का सारा आ जाएगा और इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा ऐसा नहीं कि आप भूलेंगे वो हम भी भूलते हैं हर कोई भूलता है लेकिन रोज रोज पढ़ते रहेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगी कहानी तो चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं कल मुलाकात हमारी फिर से होगी और लेकिन इतना ध्यान रखिएगा बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश करेंगे अदरवाइज मेडक वाली चाल कूदेंगे यहाँ सुना जो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा ठीक है भाई तो मुलाकात होगी आपसे कल थैंक यू सो मच